हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक गाछी में जा रहे हैं और आज हम लोग आम खाने वाले हैं और वहीं पे आम खाकर इंटरटेन करने वाले गाछी में, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग गाछी में जा रहे हैं। उस दिन जो गए थे वो चौड़ी के पास में गए थे वो खजूर खाने, बट आज हम लोग जा रहे हैं सो गाछी में जा रहे हैं। और यहाँ पे ये गाछी का मैं नाम बता दूँ तो ये मथुरा बागान है और मथुरा बागान हमारे गाँव का काफ़ी फेमस एरिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ा हर गेम यहाँ पे होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ क्रिकेट और हॉकी वगैरह जिस भी टाइप का होता है, गुल्ली डंडा वगैरह सब गेम यहाँ पे होता है। और आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और वहीं पे आम वगैरह भी खाने वाले हैं। और अगर मैं शाम यहाँ पे साइड वगैरह की बात करूँ तो इस तरह से ये रास्ता, और आप लोग जानते हैं कच्ची रास्ता किस तरह से होती है गाँव में, यहाँ पे इस तरह का ये रास्ता है, जिस वजह से वहाँ जो देख रहा है ताड़ के पीछे, और वहाँ पे उस तरह से वहाँ से गाछी स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से आसपास का नज़ारा लुक दिख रहा है, ये देख रहे हैं पीछे में यहाँ पे घर है और वहाँ पे बहुत सारे खेत है यहाँ पे, जो अभी सिर्फ सभी के सभी खेत खाली है और इसमें अभी कोई भी फसल बाव नहीं हुआ है। अभी सब यहाँ पे बोले तो ये फर्टिलाइज़र करके रखा हुआ है, बट अभी कोई भी काम इसमें फसल के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है। और आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं गांव में। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि ऐसे ही मैं संडे टू संडे इस तरह से मैं एक व्लॉग लेके आता रहूँगा गाँव में, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट दें। दोस्तों, मैं जिस प्लेस पे हूँ, ये प्लेस मैं बता दूँ फाइनली, ये मथुरा बागान का जगह पड़ता है और इसी प्लेस को हम लोग मथुरा बागान कहते हैं। मथुरा बागान जनरली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेनली ट्री से भरे हुए हैं और यहाँ पे खाली स्पेस भी है, जिस वजह से यहाँ पे लोग आकर सुबह में एक्सरसाइज जिम वगैरह भी करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और इस बात पे मैं बता चुका हूँ कि हाँ, यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। ये जो पीछे में देख रहे हैं ये लीची का पेड़ है और लीची अभी तो जान रहे हैं कि लीची का सीज़न ख़त्म हो चुका है, बट यहाँ पर आम अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग का एक गाछी है, तो यहाँ पे हम लोग अभी आम खाएंगे और मैं उस चीज़ को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि गांव में किस तरह से चचा देख सकते हैं कि आप लोग ट्रैवल करके आते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो सामने में एक टेंट दिख रहा है, ये टेंट इस वजह से नहीं है कि कोई ट्रैवल करता है यहाँ पे, ये जो है ये टेंट चचा इसलिए डाले हुए हैं यहाँ पे आम को केयर करने के लिए। यहाँ पे आम को केयर करने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग नाइट में नहीं रहते, नाइट में भी यहाँ पे रहते हैं, बट गांव में क्या है ना कि इतने मतलब अगर आपको खाना है तो चचा से पूछ लोगे तो खाने के लिए चचा दे देंगे। और मैं बता दूँ रात भर चचा जागने की वजह से अभी सोए हुए हैं, तो मैं उस चीज़ को भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से टेंट के अंदर में यहाँ रहना वगैरह चलता है और इसी के पास में ये पानी के लिए डब्बा रखा हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे बारिश भी होगी तो यहाँ पे बचे रहेंगे, चचा भीगेंगे नहीं। ये पका हुआ आम मिला है और इस पेड़ से देख सकते हैं ये आम, इस पेड़ से इसको एक आम मिला है और ये है। मतलब काफ़ी अच्छा आम है, मीठा आम है, और ये इसको ये खाएगा और घर जाके खाएंगे, उसका भी वीडियो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ, आपका हाँ, एक नंबर हाँ, गिला। गिला एको।
मुंह पे ना गिरी जा साले को आम ना गिरा ला वहां से मेरा नीचा रे बोका रे साले गिर मारा ई हो का भैया डाल का देख क्रक सी नहीं पतला काला काला थी ये रे मायला का चार गेले अबे हाथ के चक्कर छोड़ लागी दे दई छोटका लागी दे दई बन जाते चूम जाते असल अचार ला भी बना लेती आदमी उतर रे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने नीचे नीचे आम हैं और यहाँ पे गांव में जो है ना काफ़ी आम फड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इस बार ना दबा के आम खाने वाले हैं। दबा का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ज़मीन के पास भी आम इतना पास में दिख रहा है कि इतना आम फड़ा हुआ है कि मतलब पूछो ही मत। मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितना इस बार आम की कमी नहीं है, इस बार खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आम फड़ा हुआ है। अगर आप लोग भी गांव में आते हैं तो ज़रूर इस मोमेंट का और फ़ायदा उठाइए। और सामने वीडियो बनते हैं डर रहा लगेगा देख सकते हैं चढ़ा पेड़ पर लौड़े पे दम पे लगा के चोरी से मारेंगे ना कि ठीक हो जाएगा सर। देख सकते हैं सुक्कू आम अभी हम खा रहे हैं, काफ़ी टेस्टी है, आप लोग के मुंह में पानी आ जाएगा। इधर दे इधर 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 ए पीछे दे आराम से तू भी खाओ की छुट्टी बहुत यही तो जबरदस्त बात है गांव का लग भी रहते ना ना बार का तोड़ता ना इसको कैच करते रहे ना एक इन्हीं के दे दिया ठीक है चल हिला सिंगल डारे चार भी आ जाए आगे तन ना 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 साला चला आगे करबे ना लड़े ना वहीं से हिला वहीं से जितना हिलते हिलते खड़ा हो के हिलाते ना तब ना ठीक है यार साला मुझे आम तो ऊपर में अटाजन ई दान पे नहीं हो सकता जे को रखे हुआ है पक्का ना माल तो है ना लड़ा रुक ना बाप रे बहुत है मारेंगे ना साला डीजे तुमको डीजे जे हो ना